Hello students, I am Iti and welcome to my channel, that is Iti Puri Sharma. In the last class, we have discussed about the economic planning, its meaning, its definition. ठीक है, हमने economic planning के बारे में discuss किया था, why planning, economic planning is needed, इसके बारे में discuss किया था. And हमने ये discuss किया था कि planning commission को set up किया गया था for effective economic planning के लिए, मतलब economic planning जिससे बहुत ज़्यादा effective प्रूव हो उसके लिए हमने प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया था इन 1950. क्लियर. उसके बाद हमने ये देखा था कि जो हमारे फर्स्ट फाइव ईयर प्लान्स बने थे अंडर प्लानिंग कमीशन वो कब लॉन्च हुए थे, 1 अप्रैल 1951, एंड एंड कब हुए थे, 31 मार्च 1956. तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. सो ऑन टूडेज वीडियो we are going to discuss about the goals of first goals of 5 year plans. मतलब कि जो भी हम एक 5 year plans बना रहे हैं उसके क्या aim हैं, उसके क्या objectives हैं, उसके बारे में हम discuss करेंगे. तो इसके चार main goals हैं. First one is growth, second one is modernization, third one is self-reliance and fourth one is equity. तो दीज आर द फोर गोल्स ऑफ 5 year प्लान्स. तो एक एक करके हम इन सभी को डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट वन इज ग्रोथ. ग्रोथ क्या होता है, कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करना. प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने का मतलब क्या था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना. इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगी, जब तीनों सेक्टर्स, दैट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, तीनों सेक्टर की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा. तो जब तीनों सेक्टर की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा. इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, हमारी ग्रोथ जो है, कंट्री की जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी, वो ग्रो करेगी. क्लियर. प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ सेकेंडरी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक ही सीमित रहे. ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप सभी सेक्टर्स, जो हमारे तीनों सेक्टर्स हैं उन पे फोकस करें, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करें, तभी हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी. इन सभी गोल्स में से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो दी गई है वो ग्रोथ को दी गई है. सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो ग्रोथ पे किया गया है. क्यों किया गया है, क्योंकि जब हमारी इकोनॉमी में तीनों सेक्टर्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, तो क्या होगा, फैक्ट्रीज बढ़ेंगी, यूनिट्स, प्रोडक्शन यूनिट्स जो हैं वो बढ़ेंगी. जब ये यूनिट्स बढ़ेंगी तो इसके अंदर काम करने वाले लोगों की भी तो नीड होगी ना, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी. एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने का मतलब क्या है, लोगों को काम मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट हटेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी. ठीक है, और जो लोग पॉवर्टी लाइन के बिलो रह रहे हैं या जिनके पास कोई अदर कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है उनको जॉब्स मिलेंगी. तो ये एक बहुत ही अच्छा तभी इसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है. ग्रोथ जो गोल है 5 year प्लान का, इसको इसलिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है. तो ग्रोथ तभी होगी जब सभी सेक्टर्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी को इनक्रीज किया जाएगा. तो अब हम एक एक करके इसके पॉइंट्स को रीड करते हैं. सो फर्स्ट वन इज इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री. तो ये है ग्रोथ, जी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोडक्टिव प्रोडक्शन कैपेसिटी को अगर हम बढ़ाएंगे, ये इसका मीनिंग है. ग्रोथ का मीनिंग है इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री. तो ये इसकी मीनिंग है कि हमारी कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना, उसको हम ग्रोथ कहते हैं. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. इट इम्प्लाइज ईदर अ लार्जेस्ट स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल और अ लार्जेस्ट साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग और एन इंक्रीज इन द एफिशियंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज. तो इसका मतलब क्या है, ये ग्रोथ को और ज़्यादा अच्छे से इलाबोरेट कर रखा है कि इट इम्प्लाइज और इट मींस ईदर. ईदर मींस इनमें से कुछ भी.
इट इम्प्लाइज अ लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल. दैट मीन्स कि या तो वो अपनी प्रोडक्टिव कैपिटल को बढ़ाएंगे. प्रोडक्टिव कैपिटल को बढ़ाने का मतलब हो गया कि या तो वो गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे. गुड्स भी कौन से होंगे यहाँ पे, कैपिटल गुड्स. या तो आप सबसे ज़्यादा कैपिटल गुड्स का को बढ़ाएंगे या आप सर्विसेज को बढ़ाएंगे लाइक बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्ट, या फिर आप एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे गुड्स एंड सर्विसेज की. ठीक है, तो दीज, तो ग्रोथ क्या हुआ, ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, ग्रोथ कब होगी, जब आपके कैपिटल गुड्स जो है वो बढ़ेंगे, उनमें इंक्रीज होगा या सर्विसेज में इंक्रीज होगा या फिर इनकी एफिशिएंसी में इंक्रीज होना, उसको हम क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे. क्लियर है. मूविंग ऑन, इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स, अ स्टडी इंक्रीज इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. इस पॉइंट को समझने से पहले हमें जीडीपी का मतलब क्लियर होना चाहिए. ठीक है, जीडीपी हमने सबसे वेरी फर्स्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था इसको कि ये क्या होता है, बट स्टिल मैं यहाँ पे इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ. जीडीपी इज अ मार्केट वैल्यू और फाइनल वैल्यू और मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर. तो एक साल में जितने भी हमारी कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको हम जीडीपी कहते हैं. तो ये तो होता है जीडीपी. ठीक है, नाउ कमिंग टू द प्रीवियस पॉइंट, इसमें ये दे रखा है कि हमारी जो, अगर इकोनॉमी में जीडीपी बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ का. दैट मींस अगर हमारी इकोनॉमी में जीडीपी राइज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब हमारी इकोनॉमी की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है. ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं अगर हमारी इकोनॉमी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर बढ़ रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का अच्छा हो रहा है, पॉवर्टी कम होती जा रही है और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो अच्छा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये सारी चीजें अगर अच्छी हो रही हैं तो इसका मतलब क्या है, हमारी कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है. और जीडीपी अगर बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको बूस्ट मिलेगा. तो वो किसको बूस्ट कर रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ को. जीडीपी बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगा, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है. ठीक है, नाउ जीडीपी के बारे में नेक्स्ट पॉइंट, मूविंग ऑन. जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, नेमली द एग्रीकल्चरल सेक्टर, द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द सर्विस सेक्टर. तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमें ये कह रहा है कि जीडीपी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है. उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें तीनों सेक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है, जो आपको पता ही है तीनों सेक्टर्स के बारे में. तो जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जितना भी सभी सेक्टर्स में प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको हम सम करते हैं. तो सम ऑफ ऑल द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब उसको मनी वैल्यू में उनका सम करना, तीनों सेक्टर में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, उनका सम करना विद इन अ ईयर. एक साल में तीनों सेक्टर में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, उनका सम. ठीक है, तो ये होता है जीडीपी. इस तरीके से जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है तीनों सेक्टर को कंसीडर करके. तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, ग्रोथ. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मॉडर्नाइजेशन. मॉडर्नाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, जब हम नई टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं. इस पॉइंट पे आने से पहले हम ये समझ लेते हैं मॉडर्नाइजेशन क्या होता है. पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो विमेंस होते थे, अगर हम उनके आउटफिट की बात करें, तो वो क्या पहनते थे, साड़ी वेयर करते थे या फिर सलवार सूट वेयर करते थे. और जो मेन होते थे वो क्या करते थे, वो कुर्ता पजामा वेयर करते थे. बट अब मॉडर्नाइजेशन आ गया, तो अब लोग क्या करते हैं, अब वो डिफरेंट आउटफिट ट्राई करते हैं. विमेन जो हैं वो ड्रेसेस वेयर करती हैं, जीन्स वेयर करती हैं, ट्राउजर्स और टॉप वेयर करते हैं, शर्ट्स वेयर करती हैं, जैसे कि मेन करते हैं. मेन का भी आउटफिट चेंज हुआ, तो मॉडर्नाइजेशन आया कहीं ना कहीं. ये तो था आपके स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या हुआ. नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें, इसमें मॉडर्नाइजेशन का मीनिंग क्या है, तो वो ये है एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना.
नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, जैसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है गुड्स एंड सर्विसेज का, लेकिन वो प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कब होगा? जब हम नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, जब हम एक नई मशीन का यूज़ करेंगे, तभी तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट्स जो हैं वो बनेंगे। तो जब हम नई टेक्नोलॉजी को अप्लाई करते हैं, उसका मीनिंग होता है मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन क्या होता है? एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो इसका मेन एम क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना गुड्स एंड सर्विसेज का, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना बाय यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज चेंज इन सोशल आउटलुक, सोशल आउटलुक में चेंज। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? मॉडर्नाइजेशन का मतलब एक तो हो गया अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, एंड द अदर थिंग इज कि सिर्फ अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी तक ही ये लिमिटेड नहीं है, यहीं तक सीमित नहीं है, लोगों की सोच में भी चेंज लाना वो भी मॉडर्नाइजेशन है। पहले के टाइम में क्या होता था कि जो लेडीज होती थी उनको ये कहा जाता था कि आप घर पे रहिए, घर का काम करिए, और जो मेन होते थे उनको बाहर भेजा जाता था काम के लिए। तो वो रिकग्निशन नहीं मिल पाता था वेमेंस को, जो कि मेन को मिलता था। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब ही यही है कि इक्वली राइट्स देना, जो मेन के राइट्स हैं वही वेमेन के राइट हो, इक्वली रिकग्निशन मिलना मेन की तरह ही वेमेन को, और इक्वली ही वो भी वर्क प्लेस पे जाएं, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन कैपेसिटी में, चाहे वो कोई भी काम करने की जगह हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो फैक्ट्रीज हो, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो ऑफिसेज हो, कहीं भी, तो इक्वली उनको रिकग्निशन मिलना, इसको बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। तो एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है कि नई टेक्नोलॉजी का अगर हम यूज़ करते हैं तो क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब भी नई टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती ही हैं, कम नहीं होती। जब कंप्यूटर आया था, जब कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो लोगों को लगा था कि नहीं, अब तो जॉब्स जो हैं वो छूट जाएगी, क्योंकि जो पहले 10 लोग वो काम करते थे, अब वही लोग 2 लोग वो काम करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप आईटी सेक्टर को देख सकते हैं, आईटी सेक्टर में कितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होती हैं लोगों के लिए, कितने ज़्यादा लोगों को वो जॉब दे रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जब भी कोई नई टेक्निक इकोनॉमी में आती है या लोग उसका यूज़ करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती ही हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है? इसको समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि जैसे कि हमने पास्ट में प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि जब ब्रिटिशर्स हमारी इकॉनमी से गए थे, जब हमें अपनी इकॉनमी वापस मिली थी ब्रिटिशर्स से, तो हमारी जो इकॉनमी थी वो डिपेंडेंट थी बाहर की कंट्रीज पे, स्पेशली फॉर फूड। क्योंकि जब ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी ऐसी पॉलिसीज बनाई थी कि कमर्शलाइजेशन कर दिया था उन्होंने एग्रीकल्चर में, कमर्शियल क्रॉप्स उगाने उन्होंने शुरू कर दिए थे। उससे क्या होता था, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कम होता था, और उस वजह से हमारी जो कंट्री थी वो डिपेंडेंट हो गई थी बाहर की कंट्रीज़ पे। तो इस चीज़ को अब ठीक करने के लिए उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव लिया, एक ऑब्जेक्टिव बनाया, दैट इज़ सेल्फ रिलायंस। इसलिए इस ऑब्जेक्टिव, इस एम को, इस गोल को इंक्लूड करा ऑब्जेक्टिव्स में, 5-year plans के ऑब्जेक्टिव में। तो सेल्फ रिलायंस का मीनिंग क्या हुआ? आत्मनिर्भर बनना। तो यही उनका मेन ऑब्जेक्टिव था। वो हमारी इकॉनमी को, जब ब्रिटिशर्स चले गए थे, हमारी इकॉनमी को क्या बनाना चाहते थे? सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते थे, जिससे कि हमारी कंट्री किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट ना हो, स्पेशली फॉर फूड के लिए, या किसी और चीज़ के लिए, या टेक्नोलॉजी के लिए, या कैपिटल के लिए, किसी चीज़ के लिए भी बाहर की कंट्री पे डिपेंडेंट ना हो। अगर हम उस चीज़ को अपनी इकोनॉमी में ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये एक मेन एम था मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू का। वो यही चाहते थे कि हमारी जो इकोनॉमी है वो सेल्फ रिलायंट बने। लेट्स रीड द पॉइंट। द फर्स्ट 7 5-year plans गेव इम्पॉर्टेंस टू सेल्फ रिलायंस।
which means avoiding import of those goods and services which could be produced in India itself. तो points में भी point में भी यही चीज़ बता रहे हैं कि जो हमारे first 7-5 year plans थे उन्होंने सबसे ज़्यादा importance self reliance को दी थी, जिसमें जिसका मीनिंग है कि उन गुड्स एंड सर्विसेज जो हम अपनी इकोनॉमी में प्रोड्यूस कर सकते हैं उनका इंपोर्ट ना करना, ठीक है, अवॉइड करना उनके इंपोर्ट को. तो ये होता है सेल्फ रिलायंस. सेल्फ रिलायंस का मीनिंग ये होता है. नेक्स्ट इज दिस पॉलिसी वॉज कंसिडर्ड अ नेसेसिटी इन ऑर्डर टू रिड्यूस फॉरन डिपेंडेंस टू अवॉइड फॉरन इंटरफेरेंस. तो इस पॉलिसी को एक नेसेसिटी क्यों कंसिडर किया गया, फॉरेन डिपेंडेंस को अवॉइड करने के लिए या कम करने के लिए. तो ये पॉलिसी को इसलिए भी इसको इसकी ज़रूरत समझी गई जिससे कि हमारी जो कंट्री है वो बाहर की कंट्री पे डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स गए थे वो हमारी कंट्री को डिपेंडेंट बना गए थे फूड क्रॉप्स के लिए, फूड ग्रेन्स के लिए. तो इसलिए अब वो उनकी इस पॉलिसी का यही मेन एम था, इसकी इसलिए भी ज़रूरत थी क्योंकि फॉरेन डिपेंडेंस को कम करना चाहते थे, ठीक है. नेक्स्ट टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस. तो जब हम किसी भी चीज़ के लिए किसी भी कंट्री पे डिपेंड होंगे, ठीक है, तो इंटरफेरेंस तो उनका होना ऑब्वियस सी बात है. जैसे कि अगर हम किसी के लिए किसी पे किसी चीज़ के लिए डिपेंडेंट है तो अब वो हमारे डिसीजंस में इंटरफेयर ज़रूर करेगा कि तुम ऐसा कर लो, ऐसा करना चाहिए तुम्हें, है ना, क्योंकि हम उस चीज़ के लिए उस पर डिपेंडेंट है. तो ऐसे ही हमारी कंट्री अगर डिपेंडेंट होती है दूसरी कंट्री पे तो उससे क्या होगा, हम दूसरी कंट्री को इनवाइट कर रहे हैं, उनको अपनी पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है वो इंटरफेयर करेगा. अगर हम उनसे कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो हम फूड ग्रेन्स इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, चाहे कैपिटल कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ अगर हम उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो हमारी पॉलिसी मेकिंग में जो हम अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं, अपनी कंट्री के अच्छे के लिए कर रहे हैं, उसमें वो इंटरफेयर करेगा. और यही चीज़ हम नहीं चाहते थे, यही ज़रूरत थी सेल्फ रिलायंस गोल की, जिससे कि हम फॉरेन इंटरफेरेंस जो बाहर की कंट्री का अपनी कंट्री में इंटरफेयर, लाइक अगर हमें अच्छा लगेगा कि अगर हमारी घर में आके कोई इंटरफेयर, बाहर का कोई पर्सन आकर हमारी घर में घर के मैटर्स में इंटरफेयर करे तो क्या हमें अच्छा लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा. हम कहेंगे आप इससे दूर रहिए, ये हमारे घर का मैटर है. तो इसी चीज़ को हटाने के लिए सेल्फ रिलायंस को कंसीडर किया गया गोल्स ऑफ 5 year प्लान्स में, ठीक है. तो ये था आपका सेल्फ रिलायंस कि बाहर की कंट्रीज से हमें जो है इंपोर्ट को कम करना या खत्म करना बिल्कुल, जिससे कि हम सेल्फ डिपेंडेंट बन सके, हम अपनी कंट्री में उस चीज़ का प्रोडक्शन कर सके अगर हम कर सकते हैं, और डिपेंडेंस खत्म करना एंड फॉरेन इंटरफेरेंस को भी अवॉइड करना सो दैट कि हम एक सेल्फ रिलायंट कंट्री बन सके. तो ये एक ऑब्जेक्टिव था. मूविंग ऑन इक्विटी. फर्स्ट पॉइंट इज growth, modernization and self-reliance by themselves may not improve the kind of life which people are living. It is important to ensure that the benefits of economic prosperity reach the poor section as well instead of being enjoyed only by the rich. तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है, अगर हमारी economy जो है first objective growth, second modernization and third is self-reliance, इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रही है, इस तीनों ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर चुकी है, लेकिन अगर इसका फ़ायदा सभी लोगों को नहीं मिल रहा है तो उसका क्या फ़ायदा. इसका मतलब क्या है कि अगर हमारी इकोनॉमी में क्या हो रहा है, ग्रोथ भी हो रही है, मॉडर्नाइजेशन भी हो रहा है, दैट मीन्स नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट भी किया जा रहा है, कंट्री सेल्फ रिलायंट भी हो रही है, आत्मनिर्भर भी बन रही है, लेकिन उसका फ़ायदा सिर्फ रिच को मिल रहा है, पुअर सेक्शन को नहीं मिल रहा है, तो ऐसी ग्रोथ, ऐसे मॉडर्नाइजेशन, ऐसे सेल्फ रिलायंट कंट्री का क्या फ़ायदा है. तो इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी का मतलब ये होता है कि जो भी हमारी इकोनॉमी अगर प्रॉस्परस हो रही है, प्रॉस्पेरिटी जो है अटेन कर रही है, तो उसका जो बेनिफिट है वो सिर्फ रिच को नहीं, रिच को ही नहीं, पुअर सेक्शन को भी मिलना चाहिए. दैट मीन्स सबको इक्वल बेनिफिट मिलने चाहिए, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर. जो रिच को बेनिफिट मिल रहा है उस प्रोस्पेरिटी से, उस तरक्की से, उस ग्रोथ से, उस मॉडर्नाइजेशन से, वही बेनिफिट पुअर को भी मिलना चाहिए, तब हम कहेंगे कि हमारी इकोनॉमी जो है
बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इक्विटी इम्प्लाइज एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज और हर बेसिक नीड्स सच एज फूड, अ डिसेंट हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. तो इक्विटी क्या कहती है, क्या इसका मतलब? अभी हमने समझा कि सबको इक्वली जो है बेनिफिट मिलने चाहिए ग्रोथ का, डेवलपमेंट का, ठीक है. तो आगे ये कह रही है कि ये हर एक इंडियन का राइट है, चाहे वो रिच है चाहे वो पुअर है, ठीक है, कोई भी कैटेगरी में आ रहा है, तो उसको उसके एटलीस्ट बेसिक नीड्स जो है वो पूरी होनी चाहिए. अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो उसका मतलब ये है कि हर एक इंडियन को के जो बेसिक नीड्स हैं, एटलीस्ट अगर इकोनॉमी बढ़ रही है, अगर ग्रो कर रही है, मॉडर्नाइज हो रही है, तो एटलीस्ट बेसिक नीड्स तो सबकी पूरी होनी चाहिए ना. तो यही वो चाह रहे थे, यही इक्विटी के अंदर उनका ये ऑब्जेक्टिव था कि अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, मॉडर्नाइज हो रही है, तो हमारी सभी जितने भी हमारी इकोनॉमी में लोग हैं, चाहे वो रिच हैं चाहे वो पुअर हैं, उन सबकी बेसिक नीड्स फुलफिल होनी चाहिए. ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होना चाहिए जिसकी बेसिक नीड्स भी फुलफिल ना हो. बेसिक नीड्स क्या है? फूड, अगेन खाना, हाउस, अ डिसेंट हाउस, घर, पढ़ाई, एडुकेशन एंड हेल्थ केयर. दैट मीन्स एटलीस्ट ये अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो ये चार जो बेसिक नीड्स हैं एटलीस्ट ये तो फुलफिल हो. अगर ये भी फुलफिल नहीं हो रही है तो ऐसी ग्रोथ का क्या फायदा. तो वो यही कह रहे थे, इक्विटी उन्होंने इसलिए लिया ऑब्जेक्टिव गोल में कि सभी को एक जैसा बेनिफिट मिले प्रॉस्पेरिटी का, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का. नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुड बी रिड्यूस्ड. और ये तो हम जब से इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तब से पढ़ते ही आ रहे हैं कि जो भी इनइक्वालिटी, इक्विटी है तो इसका मतलब सभी में एक जैसा होना, इक्वालिटी होना, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो चाहे वो वीकर सेक्शन हो, कोई भी हो. तो इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स कि इनइक्वालिटी को कम करना, दैट मीन्स जो भी इनकम है उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बिटवीन द रिच एंड द पुअर. दोनों को, दोनों की ही इक्वालिटी होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. तो इनइक्वालिटी जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में वो कम होनी चाहिए. तो ये था हमारा इक्विटी कि सबको एक जैसे बेनिफिट मिलने चाहिए, ये आता है इक्विटी के अंदर. तो इस पॉइंट के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है वो एंड होता है. इस लेक्चर में हमने आज गोल्स पढ़े थे, गोल्स ऑफ 5 ईयर्स प्लान, जिसमें फर्स्ट था ग्रोथ. ग्रोथ में हमने ये पढ़ा था कि ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है, कि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ना, किसी भी कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ना, उसको हम ग्रोथ कहते हैं. और इसे मेजर कैसे किया जाता है, जीडीपी के थ्रू मेजर किया जाता है. और जीडीपी डिराइव कैसे की जाती है, सभी सेक्टर्स को के जो भी प्रोडक्शन होता है उसका सम, मतलब सभी सेक्टर्स को इन्वॉल्व करके उसकी जीडीपी निकाली जाती है. तो ये तो हमने ग्रोथ के अंदर पढ़ा था. सेकंड मॉडर्नाइजेशन, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जब हम नई टेक्नोलॉजी में को अडॉप्ट करते हैं, या हम सोशल आउटलुक जो है, जो हमारा ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू, उसको बदलते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे हमने मॉडर्नाइजेशन में ये दो पॉइंट डिस्कस किए थे. थर्ड इज सेल्फ रिलायंस. सेल्फ रिलायंस में हमने ये पढ़ा था कि हमारी इकोनॉमी को अब वो सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते थे, इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे, कि वो किसी भी चीज़ के लिए बाहर की कंट्री पे डिपेंडेंट ना हो. जो गुड्स एंड सर्विसेज हम अपनी कंट्री में प्रोड्यूस कर सकते हैं एटलीस्ट उसको तो हम इम्पोर्ट ना करें, ठीक है. और इसकी ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि हम फॉरेन डिपेंडेंस को हटाना चाहते थे, कम करना चाहते थे, और हम फॉरेन इंटरफेरेंस को अवॉइड करना चाहते थे. तो ये हमने इसके अंदर पढ़ा. एंड इक्विटी एंड ये हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव था, जिसके अंदर हमने यही पढ़ा कि हमें जो भी इकोनॉमिक अगर हमारी ग्रो कर रही है, मॉडर्नाइज हो रही है, सेल्फ रिलायंट हो रही है, तो उसका बेनिफिट सभी लोगों को इक्वली मिलना चाहिए. उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए रिच या पुअर में. पुअर को भी वही बेनिफिट मिले जो रिच को मिल रहे हैं. तो ये इक्विटी का मेन मोटिव था. तो ये इस पॉइंट के साथ, इस लास्ट पॉइंट के साथ, इक्विटी के साथ हमारा आज का लेक्चर जो है वो एंड होता है. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, गोल्स ऑफ 5 ईयर्स प्लान. इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एग्रीकल्चर, कि क्या चीज़ें, क्या रिफॉर्म्स आए थे, क्या चेंजेस आए थे एग्रीकल्चर में. तब तक के लिए आप इस यहाँ तक प्रिपेयर कर लें, अच्छे से इसे रिवाइज कर लें. थैंक यू.